आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टिकटॉक ऐप को कैसे अपडेट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिकटॉक ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर को दो टाइप से अपडेट कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर आप इस सर्च बॉक्स में सर्च करके टिकटॉक ऐप सर्च करके इसमें आप उसको अपडेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माई ऐप्स एंड गेम्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपडेट्स का ऑप्शन मिला हुआ है, और इस अपडेट्स के ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पर जो भी हमारे फ़ोन में जो भी ऐप का अपडेट आया हुआ है यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जिस भी ऐप को अपडेट करना हो उस पर अपडेट क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको टिकटॉक को अपडेट करना है, तो टिकटॉक पे क्लिक करते हैं। टिकटॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है। तो इस अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे फ़ोन में टिकटॉक का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वह अपडेट हो जाएगा, और हमारे जो भी नए फ्यूचर आए होंगे टिकटॉक में सारे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में टिकटॉक को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर 17 MB समथिंग कुछ MB का यह अपडेट आया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में टिकटॉक का आपको अपडेट करके और अपने लेटेस्ट वर्जन में टिकटॉक को चला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो फिर नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।